दोस्तों अब वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना काफ़ी आसान हो चुका है। यानी कि दोस्तों अगर अपना वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मात्र एक से दो क्लिक में ही डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों पहले क्या था कि वोटर आईडी कार्ड की वेबसाइट से हमें वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना होता था, हालांकि वहाँ से भी अभी भी डाउनलोड हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब से अगर अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो अब से वोटर आईडी कार्ड के हेल्पलाइन एप्लीकेशन से ही अपना वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन से डाउनलोड करते हैं तो मात्र एक से दो क्लिक में ही डाउनलोड हो जाता है, यानी कि एक से दो स्टेप आपको फॉलो करना होता है। और दोस्तों आपसे जो भी वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है। भले ही आपने बहुत पहले ही वोटर आईडी कार्ड बनाया है या फिर फिलहाल में आप बनाए हैं, तो जो भी वोटर आईडी कार्ड आप डाउनलोड करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है। तो वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन से वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करना है तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों हो सकता है कि आज हमारे आवाज़ में कुछ आपको चेंजेस दिखाई देता होगा, तो इसको इग्नोर करना है क्योंकि दोस्तों हमारा गला बैठ चुका है, तो माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू। वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन से वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो हमने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो ओपन पर हम क्लिक कर देते हैं। ओपन करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ डिस्क्लेमर आएगा, आपको इसको एग्री करना होता है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है और गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एक नया फीचर्स ऐड किया गया है, यानी ईईपिक लिखा हुआ है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे यहाँ से अपना वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आ चुका है लॉगिन का पेज, यानी आपको सबसे पहले लॉगिन करना होता है, तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने आ जाएगा मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन। अगर आप इसमें पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ से आपको डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है। और दोस्तों अगर आप इसमें अकाउंट नहीं बनाए हैं तो कैसे बनाया जाता है, उसके ऊपर भी हमने एक कम्प्लीट वीडियो बनाया हुआ है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देखकर आपको अकाउंट बना लेना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। करते ही दोस्तों आपके सामने सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी आपके पास कौन सा नंबर अवेलेबल है। अगर आपके पास वोटर आईडी नंबर है तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। और दोस्तों अगर आपने एक नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई किया है और अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बन गया है तो दोस्तों उसमें आपका एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, आप रेफरेंस नंबर से भी अपना वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सर्च बाय डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बाय डिटेल्स मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको अपना बेसिक डिटेल्स फिल करना है और सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे। सर्च के ऊपर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपका वोटर आईडी नंबर देखने को मिल जाएगा, तो फिर से यहाँ पर हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारे पास वोटर आईडी नंबर मौजूद है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना वोटर आईडी नंबर फिल करना है और जो भी आपका स्टेट है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फेच डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। डिटेल्स पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके वोटर आईडी कार्ड में जो भी डिटेल्स है यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और आपके वोटर आईडी कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर होता है ये भी देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके वोटर आईडी कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है उसमें एक ओटीपी सेंड किया जाता है, तो उस ओटीपी को यहां पर फिल कर देना है। उसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने आपका वोटर आईडी कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अब नया वोटर आईडी कार्ड आ चुका है। भले ही आपके पास पुराना वोटर आईडी कार्ड हो या फिर नया वोटर आईडी कार्ड हो, तो अब से अगर अपना वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करते हैं तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। यहाँ से वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करना है तो शेयर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अब आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप में शेयर करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और दोस्तों अगर अपने मोबाइल फोन में सेव करना चाहते हैं तो डाउनलोड का आइकन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको परमिशन अलाउ करना होता है, तो आपको अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपका वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो जाता है, जैसे कि हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से अपना वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो काफ़ी पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।